ये मेरे हस्बैंड हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये सायमा मेरी कॉलेज की। कितना अर्सा हो गया तुम लोगों के साथ? 5 महीने हो गए है ना हसन जी? ऐसा नहीं हो सकता, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, हसन ऐसा नहीं कर सकता आयशा के साथ। तुम फरा से मिली थी ना? हाँ। उसकी कोई कुलीग उलीग नहीं है, ये भी है उसकी। I've lost my baby. क्लैश के कुछ घंटे के बाद रात उससे कब्र में उतारा मैंने उसे। बहुत दिल चाह रहा है हसन को देखने का, मिलने का, उनसे बात करने का, मगर वो तो फोन भी करने को मना कर चुके हैं। पता नहीं आयशा की तबीयत कैसी होगी, कैसे हसन ने उन्हें संभाला होगा। उनकी तो अपनी हालत इतनी खराब थी, फिर आयशा को कैसे समझाया होगा। अल्लाह मियां हसन की मदद कर। तुम्हारा रवैया, तुम्हारी हरकतें और तुम्हारी आदतें सब आयशा महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से उसका बीपी बढ़ा और उसका बच्चा जाया हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं हर वक्त आयशा के साथ था, उसका ख्याल रखा है मैंने। देखो तुम इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहा, तुम मुल्ज़िम नहीं मुजरिम हो। जुर्म साबित हो चुका है, तुम्हारी बीवी सबूत है उसका। तुमने अपनी बच्ची का भी नहीं सोचा, जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? कौन अपना घर बर्बाद करके दूसरे का घर आबाद करता है? देखो अहमद, देखो 2 दिन सिर्फ और सिर्फ मैंने आयशा की वजह से बर्दाश्त किया। देखो हसन प्लीज, अब दोबारा उसे मौत के मुंह में जाने मत देना। मैं ऐसा क्यों करूंगा यार? तुम ऐसा नहीं करोगे फिर भी हो जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी दूसरी शादी, वो तुम्हारा मौत की दहलीज पे जाके खड़ी होगी। देखो देखो तुम्हें उस लड़की को तलाक देना पड़ेगा। नहीं, तुम्हें उसका तलाक देनी पड़ेगी। हसन, आयशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, वो बहुत रो रही है, मुझे लगता है उसका बीपी फिर से हाई हो रहा है। मैं देखता हूँ। ये देखो, बगैर तय किए सारे कपड़े रख दिए, कितनी फुहड़ है। आप लोगों का अचानक प्रोग्राम कैसे बन गया जाने का? बेटा, तुम्हारे अब्बू ने कहा कि नुसरत की बच्ची की शादी है, जाना जरूरी है। सगी ना सही है तो मेरी बहन ना, और वैसे भी नुसरत हमेशा से तुम्हारे अब्बू के करीब तो रही है ना। सीरियसली, अगर तुम और हसन भी चलते तो कितना मजा आता। नहीं अब ये मुमकिन तो नहीं, तुम्हें तो बताया है ना क्या क्यामत गुजर रही है उन बेचारों पर। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, और वैसे भी तुम्हारी हालत जाने वाली नहीं है, तुम आराम करो सुकून से अपने घर में। अच्छा बच्चों, मुझे पिक्चर जरूर भेजती रहना। ऑफ कोर्स। अरे हाँ, जो वहां देने के कपड़े हैं ना, मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ। असल में फौजिया के रिश्ते का सिलसिला है नुसरत के यहाँ, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है अम्मी, बस खुदा करे सब अच्छा हो जाए। आप मुझे फोन करके सब बताती रहिएगा। ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं। अरे फौजिया प्लीज जाने दो, 4 बजे की फ्लाइट है, देर हो जाएगी। समन, 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 तुम तो तेज बुखार है।
space that he likes. He's been softened up by Malinga. हसन, हसन समन को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा ना। हाँ चलो, तुम रेस्ट करो, मैं ले जाता हूँ। नहीं मैं भी जाऊंगी। अगर हल्की सी भी आवाज थी तो जान से मार दूंगा। चाबी दो, इधर आ। क्या हो गया, क्यों बुखार चढ़ा? आशी बच्ची है, बच्चे तो बीमार हो ही जाते हैं। अभी ऐसी मेडिसिन का सिर्फ एक डोज लिया है, एक तो लेगी तो ठीक हो जाएगी। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। पता है तुम्हें देख के ज्यादा सहम गई हो। तुम इस तरह करोगी तो फिर बच्ची क्या करेगी? थोड़ा सा तो हौसला करो ना, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कॉल ले। हाँ हेलो फरा। हेलो हसन। हाँ फरा, क्या हुआ? आप घर आ जाए। लेकिन हुआ क्या? आप घर आ जाए बस। अच्छा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। ओके समन मेरी जान, प्लीज पी लो, इसके बाद दवाई भी पीनी है ना। नहीं मामा, मुझे नहीं पीना सूप, और फिर से दवाई नहीं खानी। समन प्लीज, कहाँ रह गए हसन? समन मामा को तंग नहीं करो, प्लीज पी लो। अच्छा मैं आपके लिए कुछ और बना के ले आती हूँ। नहीं मुझे नहीं खाना। एफ आई आर कटवानी है आपको? जी साहिर है। तो नामालूम अफराद के खिलाफ कटवानी पड़ेगी फिर तो। जी ठीक है। आपकी बेगम पहचान लेंगी उन लड़कों को? सर पहले आप कुछ तफ्तीश तो शुरू कीजिए, फिर बाद में पहचान भी लेंगी। आपको शक है किसी पर? मेरा ख्याल बिल्डिंग में कोई लड़के हैं, उन्हीं की मिली भगत है। तो फिर आप ऐसा करें कि उन लड़कों के नाम लिखवा दीजिए यहाँ पर। वो तो मैं नहीं जानता, मुझे शक है। आप अपने तौर में मालूमात कीजिए ना। आयशा। हसन तुम कहाँ हो? प्लीज घर जल्दी वापस आओ। आयशा मैं एक मसले में फंस गया मेरा। हसन समन का बुखार नहीं उतरा, वो कुछ नहीं खा रही, कुछ नहीं पी रही, सिर्फ बार बार तुम्हें बुला रही है। अच्छा किसी तरह से संभालो आयशा, मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह जल्दी आने की। ओके बाय। अच्छा बैठो,
और रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। नहीं आसिम, मुझे बहुत डर लग रहा है आसिम। देखो डरने की बात नहीं है, मैं अब तुम्हारे पास हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बस अब आप प्लीज घर मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लगता है आसिम। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कहीं जा सकता हूँ? इनफैक्ट मैं तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ छोड़ देता हूँ। नहीं, वो लोग घर पर नहीं है, लाहौर गए हुए। आप सुन, मैं आज़ा, चलो चलो अंदर चल के बात करते हैं। जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके। I feel really guilty. समझती हूँ कि इस वक्त आपको आयशा के साथ होना चाहिए। Come on, Farah. तुम्हारे पास भी रहना जरूरी है ना? अच्छा, तुम आराम से लेट जाओ, प्रेस करो थोड़ी देर। हेलो भाई, आप अभी आ सकते हैं? क्या हुआ, हसन कहाँ है? वो तो शाम को बहुत जल्दी निकल गए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए। मुझे बहुत सा घबराहट हो रही है। अच्छा, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम फोन रखो। क्या हुआ अहमद? यार वो, मैं जा रहा हूँ हसन की तरफ इस वक्त। हाँ बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पर किसी की कॉल आई थी और बस परेशानी में उठ के चले गए थे। उसके बाद से फोन भी ऑफ है। उसके बाद तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? हुई थी, कहे थे घर जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा तुम जाओ आराम करो, और हाँ एक दफा दोबारा समन का बुखार चेक कर लेना। भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे तो हसन की भी नहीं समझ आती। मुझे लगता है कोई मसला है जो हसन मुझे नहीं बता रहे, सिर्फ इसलिए कि मैं परेशान हो जाऊंगी। आप हसन से पूछें, आपको इसकी हेल्प कर दें प्लीज। हसन से तो मैं पूछ लूंगा। अच्छा तुम जाओ आराम करो,
वरना तबीयत तुम्हारी खराब हो जाएगी। मैं हसन को फोन ट्राई करता हूँ, ठीक है? तुम बेफिक्र जाके सो जाओ। हसन, मैं तुम्हारे खेल को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। बुखार तो उतर गया, लेकिन तुम कहाँ थे? अरे यार, वो ऑफिस में चोरी हो गई है, बहुत इम्पोर्टेंट फाइल्स चोरी हो गई हैं, उसी चक्कर में रात कर ली होगी सर। अच्छा खैर, तुम अब मैं नाश्ता बनाती हूँ, तुम आराम कर लेना। नहीं, नहीं, आराम आराम नहीं करना यार, मुझे ऑफिस जाना है फिर से। इट्स वेरी ट्रिकी यार। हसन, अच्छा तुम प्लीज समन का अपना ख्याल रखो, मैं तैयार हो रहा हूँ। परेशान थी, मैंने सोचा आप दोनों मियाँ बीवी के लिए नाश्ता बना के ले आऊं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हसन तो वैसे नौकरी पर गए हुए हैं। ओह अच्छा, नौकरी भी तो मजबूरी है। खैर आप नाश्ता करें और कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं खुरम को भेज दूंगी थोड़ी देर बाद, वो बर्तन ले जाएगा। ठीक है? ठीक है। भाई भाभी आप ओके? फरा अपना ख्याल रखना, कोई भी मसला हो मुझे बता देना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्यों बर्बाद कर रही हो मेरी बहन का घर? हम तो तुम्हें बहुत ही पुरखुलूस और शरीफ लड़की समझते थे, मगर तुम जी मैं समझी नहीं। नादान तो नहीं हो कि ना समझो? जब कैसन से शादी कर ली और आप खामोशी से उससे तलाक भी ले लो। मैं ना फरा को छोड़ रहा हूँ और ना वो मुझे छोड़ रही है, लेकिन अब अगर आयशा को पता चला तो उसमें सारा कसूर तुम्हारा होगा। तुम्हारी बहन की खुशियां अब तुम्हारे हाथ में है। हाँ बोलो, बात कर रहा हूँ। जी नासिर साहब, आप ही हो सर? सर आई एम सो सॉरी, कुछ पर्सनल चीजों में फंसा हुआ था, बट कल मिले सर। थर्सडे? थर्सडे इज फाइन सर, डन डन। सॉरी फॉर द ट्रबल सर। ओके, सी यू देन, बाय। जी इंस्पेक्टर साहब, सर मुझे चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप लड़कों को पकड़ने की कोशिश करें ना सर। सर मैं ऑफिस में फंसा हुआ हूँ, आप आपकी चीजों की शिनाख्त में नहीं करने आ सकता। बंदे की शिनाख्त की बात होती तो कोई और बात। जी जी सर, प्लीज कीप मी इन्फॉर्म। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो बहुत पछताओगी। कान खोल कर सुन लो तुम। भाई आप क्या कह रहे हैं? ये ना कहूं तो क्या कहूं? दुआएं दूं तुम दोनों को, खुश रहो, आबाद रहो,
कभी कोई गम ना मिले, और मेरी बहन, मेरी बहन जीते जी मर जाए। खुदा ना करे आप। बस और ड्रामेबाजी नहीं, मेरी बहन हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी और तुम दोनों वहां मुलाकातें कर रहे थे। तुम्हारे सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि हसन की हालत देखकर परेशान थी। हसन की हालत देखकर परेशान थी या फिर आयशा की हालत देखकर खुश हो रही थी? भाभी ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। जितना मुँह ने बोला है वही करोगी तुम। ना इससे ज्यादा तुमसे बात करनी है ना सुननी है, समझी? हसन ने तो मुझे एक बार नहीं बताया कि, लेकिन लेकिन क्या हसन को पता भी है कि ये लोग जान चुके हैं? ये जान, अब आप जल्दी से ठीक हो जाओ, स्कूल भी जाना है ना, ज्यादा दिन हो गए तो बहुत सारा काम हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। मामा ताज अम्मा तो कहती थी आप भाई घर लेके आएंगी, फिर क्यों नहीं लाई? जब मैंने आपके साथ मजाक किया था मामा, फिर आप रो क्यों रही थी? कैसे? मामा आपने मेरी अलमारी से सारे कपड़े भाई के ताजम्मा को दे देना। पर क्यों, वो आ गया तो क्या पहनेगा? हम नए खरीद लेंगे। मामा आपसे एक बात पूछूं? छू वो कब आएगा, किस दिन आएगा? जल्दी इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे, बताओ तो सही। भाई और भाभी आए थे। कौन भाई भाभी? आयशा के भाई और भाभी। हसन, क्या आपको पता था क्यों नहीं? पता था मुझे। तुम मुझे बताया क्यों नहीं? क्या फायदा होता तुम्हें बता के, खामखा में टेंशन नहीं आती ना तुम्हें? वैसे भी इतने सारे मामलात थे, वो डकैती का सिलसिला अलग हो गया। आई जस्ट फॉरगॉट। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैंने आपसे छुपके शादी की है, और कह रहे थे कि मैं आपको चुपके तलाक दे दूं। कहा था तुमने हॉस्पिटल मत आओ, शक होगा, बात बढ़ेगी, बात खुलेगी, वही हुआ। हाँ कहा था, मगर मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती हसन। तो वहां रहकर भी तुम क्या कर रही थी? तो मैं घर पर भी तो नहीं बैठ सकती थी ना, दम घुटता है मेरा। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, वो दोबारा नहीं आई। हाथों में ठंडे बेफलों की निशानी होती है। अब मैं अपनी वफादारी की कसमें खाकर यकीन दिलाऊं आपको? फराह हसन को जरूर बताएगी कि हम वहां गए थे। बताती है तो बताने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चाहता हूं कि उसको पता चले, ताकि हसन को यह पता चले कि हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, और मैं हसन के साथ फराह का भी जीना आराम कर दूंगा। आपको क्या लगता है, फराह हसन से तलाक मांगेगी? इतनी आसानी से तो नहीं मांगेगी, मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि उसको मांगना पड़ेगी। तो क्या उसको, मुझे पता था तुम आओगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम वहां पहुंच जाओगे। तुम्हारी खुशफहमी और तुम्हारी गलतफहमी दोनों खत्म हो गई। तुम वहां क्यों आए थे?
मुझे भी बताया होगा उसने। अहमद प्लीज, ये सब उस लड़की की वजह से है ना, उसी की वजह से आज तुम अहमद के सामने खड़े हो। वो लड़की मेरी बीवी है भाभी। बीवी है, ज्यादा देर नहीं रहेगी। क्यों, क्या कर लोगे? वो सब कुछ जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। बेहतर यही है तुम उसे छोड़ दो। हसन, तुम्हें आयशा का एक दफा भी ख्याल नहीं आया? उस लड़की से शादी करते वक्त तुमने एक मिनट के लिए भी अपनी बेटी और आयशा के बारे में नहीं सोचा? तुम तो उनसे मोहब्बत के बड़े दावे किया करते थे। मैं और सारी दुनिया सब मिलके तुम्हारी मोहब्बत की मिसाल देते। मैं आज भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। झूठ, तुम्हारी मोहब्बत बट चुकी है आयशा और उस लड़की के दरमियान। देखो, बेहतर यही होगा कि आयशा को पता चलने से पहले ही तुम उसे तलाक दे दो। मैं ना फराह को छोड़ रहा हूँ और ना वो मुझे छोड़ रही है, लेकिन अब अगर आयशा को पता चला तो उसमें सारा कसूर तुम्हारा होगा। तुम्हारी बहन की खुशियां तुम्हारे हाथ में है। धमकी दे रहे हो? समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी तुम उसे तो बच्चे की मां बनने वाली है भाभी वो। अच्छा, इसीलिए जब आयशा का बच्चा जाया हुआ था तो जो गम आयशा के चेहरे पे था वो तुम्हारे चेहरे पे नहीं था। बेवकूफी वाली बातें मत करो यार। ओ, तुम तो बड़े अकलमंद हो गए हो। इसीलिए हाँ, बच्चा नहीं हो सकता तो तुमने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैंने ये सब कुछ सोच समझ के नहीं किया था। मेरे सामने सफाइयां पेश मत करो। सफाइयां पेश नहीं कर रहा, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अब आशी की खुशियां तुम्हारे हाथ में है। प्लीज मत बताना उसे। देखा धमकियां देखे गया है मुझे। अहमद, हम दोनों मिलकर इस बात को डिसाइड करेंगे ना कि करना क्या है। अहमद देखें, हमें इस वक्त आयशा और समन दोनों की भलाई के बारे में सोचना है। अगर आप इस तरीके से हाइपर हो जाएंगे तो हल नहीं निकल पाएगा। आप प्लीज आराम से यहाँ पर बैठे बैठे आए। समन को तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उसको किस तरह समझाऊंगी? मैं बहलाऊंगा उसे। मैं समझूंगा आशी, मैं समझूंगा उसे। और मैं खुद को कैसे बहलाऊं? अपने आप को कैसे समझाऊं कि मेरा बच्चा तो मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। तुम मना मत करो प्लीज, बस मुझे वहां ले चलो। क्या करूं जाके आशी? मना नहीं करना। कुछ नहीं आशी, जीवा सिर्फ मट्टी है आशी, कुछ नहीं है। हाँ तो उसकी कब्र की मिट्टी को छूंगा मैं। क्या बताओ मुझे की राजे कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है असल। मैं वहां जाके उन गहरी
पूछूंगी कि वो किस तरह माओ के सीनों में से दिल निकाल के अपने घड़े पर दिए हैं सर। प्लीज देखो तुम मना नहीं करो तो मुझे कौन है? कौन? भाभी मैं हूँ, उसना दरवाजा खोले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आए बैठे अंदर प्लीज। और कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। आए बैठिए। और कैसे आना हुआ आपका? बस ठीक ठाक हूँ। हमें तो आज ही पता चला आपके घर ढाके का। खालिद ने मुझसे कहा फौरन जाके भाभी से मिलो। बहुत अफसोस हुआ। कुछ पता चला कौन लोग थे? नहीं अभी तो नहीं पता लगा। हाँ खैर कहाँ पता चलता है और कहाँ पकड़े जाते हैं। बस अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। अब आप चाय पियेंगी? अरे नहीं भाई, चाय वाय मैं किसी और दिन आके पी लूंगी। असल में हम लोग अगले हफ्ते दुबई जा रहे हैं, तो खालिद ने मुझसे कहा कि आपसे जाके किराया ले आऊं और आपको तसल्ली भी दे आऊं। एक तो इसी महीने का किराया है और अगर अगले महीने का किराया भी साथ दे दें तो मैं दुबई में कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगी। वो किराए के बारे में तो हसन ही आपको बता सकते हैं, मतलब वो ही दे सकते हैं और इस वक्त तो वो घर पे नहीं है। तो चलें थोड़ी देर में इंतजार कर लेती हूँ। वो बहुत देर से आएंगे। अच्छा तो चलें कोई बात नहीं, खालिद ही आपके मियाँ से मिलके बात कर लेंगे। मैं चलती हूँ। जी और घर पे सब ठीक है? जी मैं बता दूंगी। अल्लाह हाफिज। हाँ फरा बोलो। हाँ आप ऑफिस जाने से पहले थोड़ी देर घर आ सकते हैं? सब खैरियत तो है? हाँ वो दरअसल मेरे पास कुछ। अच्छा चलो ऑफिस ऑफिस आके बात करता हूँ।
सुबह सुबह क्या कामों में लग गई हो यार? नाश्ता बनवा रही थी। तो ताज बीबी को बोलो ना, वो कर लेंगी। तुम्हें क्या जरूरत है काम करने की? तबीयत देखो अपनी यार, सीरियसली। अब ऐसे क्या देख रही हो? डर लगता है मुझसे? तुम्हारे प्यार से। क्यों? अगर इसमें जरा सी भी कमी आ गई तो मैं कैसे जीऊंगी? कभी कमी नहीं आएगी, ट्रस्ट मी। चलो उठो, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। हसन, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या मसला है? तुमने अहमद की टेंशन लिया ना? नहीं, सर मैंने कल से कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? घर पे सौदा ही नहीं है, ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था। आप क्या करेंगे ऐसे? भाई मैनेज यार, रख के क्या करूँ? मैं ग्रोसरी करके आता हूँ, फटाफट से रिलैक्स। हसन मेरी बात सुने। मैं और तबसुम रात बहुत देर तक तुम लोगों के बारे में बात करते रहे। हमारी वजह से आप दोनों भी बहुत परेशान हो गए। हुए तो हैं, बट मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान? तुम, हसन और समन, तुम तीनों जा रहे हो एक हफ्ता बाहर घूमने के लिए। हाँ मामा, हम जाएंगे। हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? अभी क्या प्रॉब्लम है भाई? वो देखो, मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम तीनों का स्टे और टिकट सब बंदोबस्त मैं कर रहा हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई क्या हो गया आशा? जब मैं कह रहा हूँ तो कह रहा हूँ, मैं करूँगा तो मैं करूँगा। बेटा जाए, आप मामा के साथ जाके पैकिंग करें और आप जा रही हैं, समझी? ठीक है? ठीक है। समझ मेरी जान, ताज बीबी को जाके को अच्छी सी चाय बना कर लाए हूँ। भाई हसन के पास वक्त? मैं जानता हूँ आशा, सब पता है मुझे, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन भाई मेरी पूरी बात तो सुन ले। बताओ। कोई बात तो करो आशा। स्टंट की तरह हमारी जिंदगी भी अधूरी रहेगी ना हसन। हम अपने बेबी के लिए चीजें ले लेंगे। और पता है हसन, आज आखिर का वक्त किसके पास है? कल तो मैं आशी और समन के साथ जा रहा हूँ। जब हसन किसी को खा लेता है तो उसके बाद इसी तरह इग्नोर करता है। मेरी खुश नसीबी देखो, घर भी मिल गया, नंबर भी। शट अप। खेल बंद करो वरना धमकियां किसी और को देना। तो फिर ठीक है, मैं देख लूंगा तुम्हें। इश्क पुकारे आ जा रे, यूं ही आ जा। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.